दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आधार कार्ड अपडेट हुआ है या फिर नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप जो चेक करना चाहते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके फोन में जो भी ब्राउजर है आप उसको ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे फोन में क्रोम ब्राउजर है, तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो आपके फोन में जो भी ब्राउजर है आप उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो टाइप करके सर्च करना है UIDAI। आपको जो इतना टाइप करके सर्च करना है UIDAI, और जैसे ही आप इतना टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा UDI का, तो आपको जो इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना। फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना, उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा अपडेट आधार, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा चेक आधार अपडेट स्टेटस। तो अगर आपने अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाया और आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको जो चेक आधार अपडेट स्टेटस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप चेक आधार अपडेट स्टेटस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको जो ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटर इनरोलमेंट आईडी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी इनरोलमेंट आईडी है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इनरोलमेंट आईडी क्या होता है और इनरोलमेंट आईडी कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने आधार कार्ड में कोई भी डिटेल अगर आपने अपडेट करवाया तो वहाँ पर आपको जो एक स्लिप मिलता है, ठीक है, इस तरीके से जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको जो एक स्लिप मिला होगा तो वो स्लिप आपके पास होगा। तो उस स्लिप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर के सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 14 अंक का जो है आपको नंबर दिखेगा। तो ये जो 14 अंक का नंबर दिख रहा है इसी को जो है इनरोलमेंट नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो 14 अंक का नंबर दिख रहा है उसी को आपको यहाँ पर जो है फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर जो भी हमारा इनरोलमेंट नंबर हो उसको यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके स्लिप में जो भी इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर जो 14 अंक का नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इनरोलमेंट आईडी होता है, जो इनरोलमेंट नंबर होता है उसको यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है कोई भी स्पेस नहीं दिया। इसी तरीके से जो भी आपके स्लिप में इनरोलमेंट नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना, और यहाँ पर आपको जो कोई भी स्पेस वगैरह नहीं देना, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको स्लिप मिला है, ठीक है, अगर आप उस स्लिप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइमिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो डेट एंड टाइमिंग दिख रहा है उसको भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब डेट एंड टाइमिंग आपको कैसे फिल करना, ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो स्लिप है, अगर आप उसमें डेट देखेंगे तो जो डेट है 24/11/2021 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, जो 24/11/2021 है आपको इस तरीके से डेट को फिल नहीं करना, आपको डेट को उल्टा फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट है 24/11/2021 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, डेट को सबसे पहले आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं 2021 है, यहाँ पर सबसे पहले 2021 फिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो मंथ है 11 है, यहाँ पर मैं 11 फिल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते जो डेट है वो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर मैं 24 फिल करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना, जो डेट है डेट को आपको उल्टा फिल करना, सबसे पहले आपको ईयर फिल करना, फिर आपको मंथ फिल करना, फिर आपको यहाँ पर जो है डेट फिल करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके पास स्लिप है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते जो मेरे स्लिप में टाइमिंग है वो जो है 13/05/19 है, तो यहाँ पर मैं जो टाइप कर देता हूँ 13/05/19, ठीक है, इस तरीके से आपको टाइप करना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइमिंग है उसमें मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, जैसे टाइमिंग है उसी तरीके से यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर आपको जो कोई भी स्पेस वगैरह नहीं देना, ठीक है, जैसे आप नंबर जो है टाइप करते हो उसी तरीके से आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको जो कैप्चा कोड दिखेगा, तो ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है उसको यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड नहीं दिखता तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश का बटन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो कैप्चा को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। जो सबमिट पर क्लिक कर देना, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा यूआर आधार हैज बीन जनरेटेड, जिसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जो भी हमने आधार कार्ड में अपडेट करवाया था यहाँ पर अपडेट हो चुका है। बट यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है या प्रोसेस में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रोसेस लिखा था तो यहाँ पर आपको जो कुछ दिन और वेट करना होगा, और यहाँ पर अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा से जो आपको आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। और या तो अगर यहाँ पर कोई और रीजन होता तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका आधार कार्ड है वो क्यों यहाँ पर जो है रिजेक्ट हुआ, क्यों यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो उसके बगल में बेल का आइकन दिखाई उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो आप देख पाए सबसे पहले।